हेलो एवरीवन, ट्विन प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट को लेकर आपके मन में जो भी डाउट या फिर सवाल रहते हैं वो आज के इस वीडियो में सारे दूर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान जो बेड रेस्ट होता है वो कभी कभी कॉम्प्लिकेशंस को रोकने के लिए यूज किया जाता है, लेकिन ये सभी ट्विन प्रेगनेंसी के लिए जरूरी नहीं होता है। यदि आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस नहीं है और सब कुछ नॉर्मल है तो आपको बेड रेस्ट की जरूरत नहीं होगी। लेकिन अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशंस रहता है या फिर आप किसी अन्य स्थिति का अनुभव करती हैं, तो ऐसे में डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की एडवाइस जरूर दे सकते हैं। ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान जो बेड रेस्ट की संभावना होती है वो सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में ज्यादा होती है। मैं आपको एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूं कि मान लीजिए अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है और डॉक्टर ने आपको बेड रेस्ट के लिए नहीं बोला है, तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको पूरे दिन काम करना है। आप एक बात ध्यान रखें, जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ेगा तो आपको बहुत ज्यादा थकान महसूस होने लगेगी एंड साथ ही में आपकी पूरी बॉडी में जगह जगह पेन रहना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको बढ़ते टाइम पर ज्यादा से ज्यादा अपनी बॉडी को रिलैक्स देना है, यानी कि आपको पूरे दिन बेड पर नहीं रहना है। आप आराम से थोड़ा थोड़ा काम करिए एंड आपको जब भी लगता है कि आप बहुत ज्यादा थक गए हैं तो आप तुरंत बीच बीच में थोड़ी देर अपने आप को रिलैक्स जरूर दें। आप इस बात का जरूर ध्यान रखें। अब हम बात करते हैं कि डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की सलाह कब देते हैं। कभी कभी कुछ ट्विन प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करने से माँ और बच्चे दोनों को बहुत ज्यादा लाभ हो सकता है। पहला रीजन है कि अगर आपकी ट्विन प्रेगनेंसी में टाइम से पहले डिलीवरी होने का रिस्क रहता है तो ऐसे में ट्विन प्रेगनेंसी को लंबा खींचने के लिए डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की एडवाइस देते हैं। एंड इसके अलावा ऐसी महिलाएं जिनकी बॉडी ट्विन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहती है तो उनको भी वापस उनकी बॉडी को सही अवस्था में लाने के लिए बेड रेस्ट की जरूरत होती है। आप एक बात ध्यान रखें कि ट्विन्स बेबी को जन्म देने का मतलब है कि आपकी जो बॉडी है वो सिंगल प्रेगनेंसी की तुलना में बहुत ज्यादा तनाव में रहेगी और ऐसे में अगर आप बेड रेस्ट करती हैं तो आपको ये बहुत ही ज्यादा राहत पहुंचाने का काम करता है। इसके अलावा यदि आपको हाइपरटेंशन या फिर प्रीक्लैम्प्सिया की शिकायत रहती है तो इन स्थितियों को रोकने के लिए भी डॉक्टर आपको बेड रेस्ट की सलाह दे सकते हैं। एंड इसके अलावा बेड रेस्ट के और भी फायदे होते हैं। बेड रेस्ट जो है वो प्लासेंटा में ब्लड के फ्लो को बढ़ाता है एंड इसके अलावा बेड रेस्ट करने से आपके ब्लड प्रेशर में भी कमी होती है। और इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट करने से आपके जो बेबी का वजन होता है वो भी जन्म के समय बिल्कुल सही रहता है। अब हम आपको बता दें कि ट्विन प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट के अलग अलग प्रकार होते हैं। सबसे पहला है मॉडिफाइड बेड रेस्ट। इसमें आपको कुछ समय के लिए ही कुर्सी पर बैठने की परमिशन दी जा सकती है एंड इसके अलावा आपको पूरे दिन बेड पर ही रहना पड़ता है। एंड दूसरा होता है स्ट्रिक्ट बेड रेस्ट, जिसको हम कंप्लीट बेड रेस्ट भी बोलते हैं। इसमें आपको कभी कभार सिर्फ शौचालय जाने की ही परमिशन होती है, बाकी आपको पूरे टाइम बेड पर ही रहना पड़ता है। एंड तीसरा होता है हॉस्पिटल बेड रेस्ट। इस प्रकार के बेड रेस्ट में आप हॉस्पिटल में भर्ती रहती हैं। इसमें आपको बेड पैन का उपयोग करने या फिर बिस्तर पर एक विशिष्ट स्थिति में रहने की जरूरत हो सकती है। इसलिए आप एक बात का जरूर ध्यान रखें कि जब भी आपको ट्विन प्रेगनेंसी में बेड रेस्ट के लिए बोला जाता है तो आप उसके पीछे की वजह जरूर पता करें कि आपको किस पर्पस के लिए बेड रेस्ट करने के लिए बोला गया है एंड उसको बहुत ही अच्छे से फॉलो करें। इस बात का ध्यान रखें कि ये आपकी सिंगल प्रेगनेंसी नहीं है, ये आपकी ट्विन प्रेगनेंसी है, तो आपको किसी भी तरह की कोई भी लापरवाही नहीं करनी है। एंड इसके अलावा भी अगर आपके मन में कोई डाउट या फिर कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं उसका बिल्कुल आंसर आपको दूंगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज एक लाइक जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें, साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिले, और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। एंड थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में।